IPL 2018 इन चार वजह से हुआ शर्मसार, प्रीति सहवाग के अलावा ड्यूप्लेसिस का भी जुड़ा नाम। हालांकि हर साल की तरह इस बार भी IPL में कुछ विवादित दृश्य देखने को मिले, जिसने IPL 2018 को पूरी तरह शर्माशार कर दिया है। ऐसे में आज हम आपको पांच ऐसे कारण बताते हैं जिसकी वजह से इस सीजन का IPL शर्मसार हो गया है। कावेरी जल विवाद। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को सबसे बड़ा नुकसान कावेरी जल विवाद से उठाना पड़ा। इसका कारण कावेरी जल विवाद के चलते पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन होने लगा। इसके बाद चेन्नई के सारे मैच को पुणे में शिफ्ट कर दिया। ऐसे में महज विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सारे मैच को पुणे में शिफ्ट करना सुरक्षा और अन्य चीजों के साख पर बटा लगाने वाला काम किया। दो, हाफ डुप्लेसिस पर जूते फेंकना। चेन्नई में खेले जाने वाले मैच के दौरान कावेरी विवाद के चलते जब IPL का मैच खेला जा रहा था, उसी दौरान दर्शक दीर्घा में बैठे एक अंशक ने मैदान के अंदर जूते फेंक दिया, जिसे बाद में हाफ डुप्लेसिस उठाकर बेहद ही हैरानी से उस ओर देखने लगे। हालांकि यह वजह ऐसी रही जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IPL के शर्मसार करने वाली घटना बन गई थी। तीन, गंभीर का अचानक से कप्तानी से इस्तीफा दे देना। इस सीजन के IPL में दिल्ली डेयरडेविल्स का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, बावजूद इसके ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी वे तुरंत ही दिल्ली डेयरडेविल्स के कप्तानी से इस्तीफा दे देंगे। इसके अलावा सबसे हैरानी की बात यह रही कि वे एक बार फिर से प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाए और तब से वे लगभग इस टीम से बाहर ही हो गए। चार, प्रीति सहवाग विवाद। मीडिया में एक खबर उस वक्त सुर्खियों में बनी जब यह बात जग जाहिर हुई कि प्रीति जिंटा और वीरेंद्र सहवाग के बीच कुछ अनबन है। हालांकि इसके बाद खुद प्रीति जिंटा अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से सफाई देने सामने आई और इस बात को पूरी तरह से खंडन कर दिया।